हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में ना करिए ये गलतियाँ, नहीं तो होगा इसका उल्टा असर। जी हाँ दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ महाराज नाराज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती है। नियम का अनुसार पूजन आदि कर भगवान शिव से कष्टों को हरने की प्रार्थना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का व्रत रखने पर देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर मनचाहे वरदान देते हैं। 16 सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे जीवन में किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में ना करे ये गलतियाँ, वरना दोस्तों इसका असर नहीं मिलता है। दोस्तों, यानी कि यह व्रत का अच्छा असर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो आइए जानते हैं दोस्तों, 16 सोमवार के दिन व्रत में ध्यान देने वाली जरूरी बातें। दोस्तों, सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर पानी में काले तिल डालकर स्नान कर ले। दोस्तों, इस दिन पानी में हल्दी को मिलाकर सूर्यदेव को जरूर अर्पित करना चाहिए। घर में तो तांबे के पात्र में शिवलिंग को रखें। यदि मंदिर में है तो भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से करें। यदि कोई विशेष कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्री से अभिषेक की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव की उपासना करें और कथा खत्म होने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी फल और गंगाजल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन को अच्छे से करना चाहिए। दोस्तों, अभिषेक के दौरान या पूजा के समय मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। शिव पार्वती की उपासना करने के बाद 16 सोमवार की कथा की शुरुआत करें, आरती करें और भोग लगाएं। घर में प्रसाद बांटने के बाद खुद भी उसे ग्रहण करें। प्रसाद में नमक ना डालें और दिन में ना सोए। जी हाँ दोस्तों, और पहले सोमवार को अपने जो समय पूजा के लिए निश्चित किया है उसका ही पालन करें। प्रसाद के रूप में आप गंगा जल, तुलसी, चूरमा, खीर और लड्डू में किसी भी एक चीज को बांट सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार तक ही एक ही समय बैठकर प्रसाद का सेवन करें और घूमते फिरते हुए प्रसाद का सेवन ना करें। तो दोस्तों, इस तरह विधि विधान से आप पूजा करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत रखने के फायदे। दोस्तों, सोमवार का व्रत रखने से आपकी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, परंतु तभी जब इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा जाता है। इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलती है। यदि कोई संतान की चाह रखकर पूरी श्रद्धा से किया जाता है तो उसकी ये मनोकामना भी पूरी होती है। पारिवारिक शांति या शादीशुदा जीवन में शांति बनाए रखने की कामना करके यदि यह व्रत रखा जाए तो इससे भी पूरी होने में मदद मिलती है। दोस्तों, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए आप इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ रख सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो उसे निजात पाना चाहते हैं तो आप इस व्रत को मन्नत मानकर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह ये फायदे होते हैं इस व्रत रखने से। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा और मन से आप ये व्रत रखते हैं तो दोस्तों इसका पूरा फायदा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।